Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the last chapter of class 6th English supplementary book, which is a strange wrestling match. Ek ajeeb kushti ka match. To dekhte hain kyun ye jo wrestling match hai isko strange kaha gaya hai, ye ajeeb kyun hai aur kin do logon ke beech mein ye match hoga. Chapter ko padhenge, samjhenge jo difficult words honge. जब पढ़ाया जाएगा तभी आपको उनके मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन. एवरीबॉडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वॉज अनबीटेबल. सभी को ये विश्वास था, सभी ये बिलीव करते थे कि विजय सिंह, जो कि एक काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध रेसलर था, वो अनबीटेबल है. अनबीटेबल मतलब जिसको कोई हरा न सके, अपराजित न पराजित ना कर सके, अपराजय जिसे आप हिंदी में कहते हैं. रेसलर को हम बोलते हैं हिंदी में पहलवान को, जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं. विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स. और विजय सिंह कई बार, बोस्ट मतलब होता है खुद की तारीफें करना, मतलब प्राइड फील करना किसी चीज़ में, शोइंग टू मच ऑफ प्राइड. तो कई बार वो बहुत बोस्टफुल हो जाता था. आप जनरली बोल सकते हैं घमंडी, अपनी इस बात को लेके मुझे कोई हरा नहीं सकता. वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट. और एक बार उसने ये चैलेंज लिया कि वो एक घोस्ट से, एक भूत से लड़ेगा. ओके, देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल विजय सिंह. एक बार एक रेसलर, एक पहलवान था जिसका नाम था विजय सिंह. अ टॉल मैन, एक बहुत लंबा आदमी, विद मैसिव शोल्डर्स, जिनके शोल्डर्स काफ़ी मैसिव, काफ़ी भारी थे, एंड मस्कुलर आर्म्स, आर्म्स भी जो थी वो मस्कुलर थी, काफ़ी मजबूत थी. ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट. और जब वो किसी के सामने खड़े होते थे तो ऐसा लगता था उनको टावर कर लिया है उन्होंने, एक जायंट की तरह. जायंट कहा जाता है एक बहुत बड़े आदमी, या फिर वैसे जनरली नेगेटिव उसमें यूज़ किया जाता है, राक्षस के लिए, मॉन्स्टर्स के लिए. तो एक जायंट की तरह वो किसी आदमी के सामने अगर खड़े हो जाए, क्योंकि इतने लंबे थे, मसल्स थी काफ़ी, मैसिव शोल्डर्स थे, तो एक जायंट की तरह लगते थे. विजय सिंह, पीपल सेड, वॉज अ बॉर्न रेसलर. लोग कहते थे कि विजय सिंह तो एक बॉर्न रेसलर है, मतलब कि पैदा ही पहलवान जैसा हुआ था. एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. और दुनिया में वो किसी भी रेसलर को बीट कर सकता है, हरा सकता है. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग. लेकिन इसकी एक शॉर्ट कमिंग भी थी. शॉर्ट कमिंग हम बोलते हैं कमी को. इस पहलवान में कमी भी थी, विच ऑफन, जो कि अक्सर, लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन. ऑकवर्ड का मतलब यहाँ पर है चिंताजनक, जो कि कई बार उनको ऐसी सिचुएशन में डाल देती थी जो बड़ी ही चिंताजनक है, जिसमें निकलना थोड़ा मुश्किल है. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. वो खुद की तारीफ करने में, तारीफों में बड़े ही उन्हें अच्छा लगता था. फॉन्ड मतलब उन्हें बहुत लगाव था अपनी खुद की तारीफ करने से, करने में. बोस्ट मतलब होता है वैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना. वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस. वो मार्केट प्लेस में बैठे थे, सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन. उनके चारों तरफ कुछ यंग मैन थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क, बहुत सारे ग्लास दूध के पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड. प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषणा करना. तो उन्होंने प्रोक्लेम किया, घोषणा की, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. लोग भूतों से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता. आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट. स्टाउट मतलब होता है खूब तगड़ा, मोटा, लंबा. तो मैं तो चाहता हूँ मैं किसी एक दिन मजबूत, किसी तगड़े घोस्ट से मिलूँ. आई टीच हिम अ लेसन. और मैं उसको सबक सिखाऊंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. अप्लॉज मतलब होता है वाहवाही. तो वहाँ पर मर्मर लोग, मतलब वाहवाही, तारीफ करना एक तरीके से किसी की. तो मर्मर मतलब धीरे धीरे आवाज़ में लोग उसकी तारीफें करने लगे कि अरे वाह, मतलब घोस्ट को चैलेंज कर रहा है. और एज वेल एज थोड़ा सा एप्रीहेंशन भी था, मतलब कि थोड़ा सा उनको शक भी था कि अच्छा ये घोस्ट को कैसे हराएगा. जो लोग थे वहाँ पर वो धीरे धीरे बात करने लगे, कोई तारीफ कर रहा था, कोई शक करने लगा. ऐसे ही, इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट. यहाँ पर एक हॉन्टेड रेगिस्तान है. हॉन्टेड बोलते हैं भूतिया, जहाँ पर
मतलब लोगों का मानना होता है कि भूत रहते हैं, तो कहते हैं हॉन्टेड प्लेस है ये। तो वो कहते हैं यहाँ पर एक हॉन्टेड डेजर्ट है, अगर तुम वहाँ पर अकेले जाओ रात में, वन ऑफ देम सेड, एक उनमें से कहता है, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, तो ज़रूर तुम्हें वहाँ पर भूत मिलेंगे, दे रोम देयर फ्रीली, वो फ्रीली मतलब बिना किसी रोक टोक के वहाँ पर रोम करते हैं, मतलब कि घूमते हैं। स्ट्रेंज श्रीक एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस। श्रीक कहते हैं चीखों को, स्ट्रेंज मतलब अजीब, मोन मतलब जब आप रोने की वो करते हैं, तो सुना होगा आपने अक्सर जहां पर भूत रहते हैं लोग ऐसे बोलते हैं कि जोर से चिल्लाने की, अजीब चिल्लाने की और रोने की वहां पर आवाज सुनाई दे सकती है, ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, ट्रैवलर्स को वहां पर लूटा जाता है और मार दिया जाता है। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? विजय सिंह्स माइटी हार्ट मिस्ड अ बीट और टू। हार्ट बीट मिस करना मतलब जब आप डर जाते हैं, तो विजय सिंह के जो माइटी हार्ट था, माइटी मतलब विशाल, इतना जो दिल था उसमें एक दो उनके धड़कन रुक गई थोड़ी देर के लिए। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, उसको इतनी तारीफ खुद की करने की क्या जरूरत थी? येस आई हैव हर्ड ऑफ हॉन्टेड डेजर्ट, उसने कहा कि हाँ मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है। ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब होता है एक तरीके से उदासीन होकर, थोड़ा उदास होकर उसने कहा, उदासीन भाव से, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, मुझे तो लगता है ये बस कहानी ही है, कोई ज़्यादा कुछ वहाँ पर है नहीं। ओ नो, अरे नहीं, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स, उन्हीं में से उनके एक एडमायरर थे, मतलब जो उनकी तारीफ करते थे, फैन थे उनके, तो उन्होंने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं है, इट इज़ ट्रू, ये तो सच है, दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, जैसलमेर की तरफ जो रोड जाती है उससे 10 माइल आगे है ये जो जगह है। द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक एंड दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, और वहाँ पे जो लैंडमार्क है वो एक अगली बहुत ही बेकार सा काले रंग का एक पत्थर है, मतलब रोड के ऊपर ही लैंडमार्क बनाया हुआ है ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये हॉन्टेड प्लेस है, जो कि एक कैमल के सर जैसा दिखता है। बियॉन्ड दैट, उसके आगे देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है बट सैंड, सिर्फ रेत है। एंड वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब कि बंजर जमीन है। एंड ऑफकोर्स घोस्ट, और घोस्ट है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ रेत है, बंजर जमीन है और भूत जिनके बारे में कहा जाता है वो है। ओके अब देखते हैं आगे क्या हुआ। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट, वो हॉन्टेड डेजर्ट में घोस्ट ढूंढने के लिए जाता है। एंड ओल्ड वुमेन गिव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड लम्प ऑफ सॉल्ट, एक ओल्ड वुमेन उसको एक छोटा सा पैकेट देती है जिसमें एक अंडा होता है और एक सॉल्ट का लम्प, लम्प हम बोलते हैं गांठ होती है छोटी सी, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट नमक देती है। विजय सिंह मेट अ घोस्ट, विजय सिंह एक घोस्ट से भी मिलता है, हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड, जो कि बताता है कि वो तो एक्चुअली में विजय सिंह का दोस्त ही है, नटवर। ओके कहानी आगे बढ़ती है। अब ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया उस शाम को टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, विजय सिंह को फेयरवेल देने के लिए, क्योंकि वो जा रहा था, हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो कि उस दिन वेस्ट की तरफ जा रहा था। जस्ट देन, तभी वहां पर एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड, एक ओल्ड वुमेन आगे आती है एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इन टू हिज हैंड, थ्रस्ट यानी कि देना एक तरीके से, उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट दे देती है। एंड विजय स्टार्टेड वॉकिंग इन टू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और विजय सिंह जो है वो चलना शुरू कर देता है, सनसेट का टाइम था क्योंकि रात को वहाँ पर भूत मिलेंगे उसको डेजर्ट की तरफ। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, जैसे वो चलता जाता है रात जो है गहरी होती जाती है। द मून वॉज ब्राइट, आसमान में जो चांद था वो काफ़ी तेज चमक रहा था। एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और राजस्थान के आसमान में बहुत साफ तारे चमक रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन से जहाँ पर उसको पहुँचना था उससे थोड़ा सा दूर था। विजय सिंह रिमेम्बर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट, विजय सिंह को याद आया कि ओल्ड वुमेन ने जो उसको पैकेट दिया था, ही ओपन्ड इट, उसने उसको खोला एंड फाउंड नथिंग बट अ लम्प ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, उसको उसमें कुछ भी नहीं मिला, बस एक सॉल्ट का एक टुकड़ा था और एक अंडा था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर एक्सेंट्रिसिटीज, एक्सेंट्रिसिटी मतलब होता है जो कि किसी का स्ट्रेंज बिहेवियर जो होता है, जो बाकियों जैसा नहीं होता, अगर हिंदी में एग्जैक्ट मतलब बताए तो उसको सनकी कहेंगे। तो जो वुमेन थी अपने स्ट्रेंज बिहेवियर के लिए, सभी से अलग थी वो, मतलब जानी जाती थी गाँव में अपनी एक्सेंट्रिसिटी के लिए वो फेमस।
एज विजय सिंह स्टेप्ड इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखा, ही हर्ड अ वॉइस, उसको एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, विजय सिंह तुम इस डेजर्ट में खो जाओगे, कम दिस वे, इधर आओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज, एक बार में विजय सिंह को ये एहसास हो गया, उसे रियलाइज हो गया, इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है बल्कि एक घोस्ट है, एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, लेकिन वो ब्रेव साउंड करना चाह रहा था, बहादुर दिखना चाह रहा था, ब्रेव मतलब बहादुर, साउंड करना मतलब उसकी तरह दिखाना। ही कॉल्ड बैक, उसने भी वापस कहा, विजय सिंह ने, वेर आर यू माई डियर नटवर, तुम कहाँ हो नटवर, इट्स डार्क, अभी अंधेरा है, एंड आई कैन नॉट सी यू, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हैं, कम हेयर एंड शो मी द वे, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स, हर अच्छे रेसलर की तरह, ही विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी, किसी को साइज अप करना मतलब जब कोई रेसलर पहलवान जाता है तो वो अपना जो सामने वाला पर्सन है उसको साइज अप करता है, उसको देखता है कि ये कैसा है, किस तरीके से इसके साथ लड़ना है, क्या करना है, तो वो भी अपने दुश्मन को साइज अप करना चाह रहा था, मतलब उसके आकार का अंदाजा लगाना चाह रहा था। ठीक, सून द घोस्ट अपियर्ड एट हिज साइड, और जल्दी वो जो घोस्ट है उसके साइड में अपियर हो गया, आ गया। विजय सिंह पीयर्ड इन टू हिज फेस, विजय सिंह ने पेयर किया उसके फेस पर, पेयर करना मतलब झांकना एक तरीके से उसके, उसको झांका, एंड डिक्लेयर, और डिक्लेयर किया, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक झूठ बोलने वाले एक घोस्ट भूत हो। एनी वे, खैर, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब मुझे पूरी रात चलना नहीं पड़ेगा, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तो मतलब तुमसे मिलना ही चाह रहा था, लॉन्ग करना मतलब तमन्ना थी मेरी तुमसे मिलने की। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अबैक, अब जो घोस्ट थे उनको इंसल्ट की आदत नहीं थी, किसी चीज के यूज टू होना मतलब आदत होना, नॉट यूज टू मतलब उसको आदत नहीं थी कोई उसकी ऐसे इंसल्ट करे कि तुम तो एक झूठे वो हो, चलो अच्छा है। घोस्ट वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है अचंभे में आ जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, चकित हो जाना, वो हैरान हो गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक, पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट हिम, लोग तो डर से, हॉरर मतलब डर से, पीछे की तरफ जाने लगते हैं जब वो उससे मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग ही हो रहा है। दे ऑफन फेंटेड, कई बार तो वो फेंट भी हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रीचर, लेकिन यहाँ पर एक अनफीलिंग, अनफीलिंग मतलब जिसके अंदर फीलिंग्स ही ना हो, निर्मम बिल्कुल, क्रूअल, टीयरलेस, हार्टलेस जिसको आप कह सकते हो, ये बड़ा ही अनफीलिंग क्रीचर है जो क्लेम कर रहा है कि ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट, कि वो तो घोस्ट से मिलना चाह रहा था। इट डिडेंट मेक सेंस, इस बात की तो कोई सेंस ही नहीं बनती। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, अच्छा मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझसे मिलने की तमन्ना क्यों रखते हो, तुम्हारी तुम क्यों लॉन्ग कर रहे थे मुझसे मिलने का। द घोस्ट सेड, घोस्ट कहता है, दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोर्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट, इससे तो ये पता लगता है कि तुम बड़े ही स्टूपिड घोस्ट हो, उसने अपनी बड़ी बोरिंग सी आवाज में कहा, जब उसने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्यों मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो वो कहता, अच्छा इससे तो प्रूव होता है कि तुम बड़े ही बेवकूफ घोस्ट हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैंस थॉट, एक घोस्ट जो कम से कम कर सकता है, भूत, वो इतना तो कर सकता है कि एक आदमी के विचार पढ़ ले। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट, खैर एक बिल्कुल वर्थलेस मतलब बेकार, एक तुम जैसा बेकार घोस्ट होना, घोस्ट ना होने के साथ में उससे तो अच्छा है कि तुम चलो हो जैसे भी हो, मेरे साथ तो रहोगे। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, सच तो ये है कि मैं आदमियों के साथ रेसलिंग कर करके थक गया हूँ, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, अब मैं घोस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, वो एकदम स्पीचलेस हो जाता है, स्पीचलेस हो जाना मतलब बोलती बंद हो जाती है उसकी। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स, मार्शल करना मतलब अरेंज करना, असेंबल करना, इकट्ठा करना, अपनी जितनी भी विट्स थी घोस्ट की, विट्स मतलब होता है सूझबूझ, उसने उस सबको इकट्ठा किया। ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई, और उसने
कोशिश की विजय सिंह को आंख में देखने की, बहुत ही स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब बड़े ही एक तरीके से डिसरेस्पेक्टफुली, तिरस्कार से। ओके, फ्रैंकली सच बताऊं, ही सेड यू डोंट अपियर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। सच बताऊं तो तुम तो मुझे इतने स्ट्रॉन्ग दिखते भी नहीं हो। अपियरेंस कैन बी डिसेप्टिव। अपियरेंस मतलब जैसे आप दिखते हो, जो दिखावट है आपकी वो तो डिसेप्टिव भी हो सकती है। डिसेप्शन मतलब धोखा होता है, तो वो धोखा दे सकती है, धोखा देने वाले भी हो सकती है। विजय सिंह ने कहा, टेक योर ओन केस, तुम अपना ही केस देख लो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम तो नटवर बता रहे थे अपने आप को, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट। लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ एक रास्कल, एक दुष्ट, एक पापी घोस्ट दिख रहे हो, सिर्फ एक भूत दिख रहे हो। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पे, मेरी कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ इस पे डाउट है, लेट मी गिव यू अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट। तो मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन देने दो, तो मुझे एक बार इसको प्रदर्शित करने दो, इसका एक सबूत देने दो। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने वहां से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया रेत से। टेक दिस, ही ऑफर इट टू द घोस्ट। उसने घोस्ट को उसे दिया कि ये लो एंड स्क्वीज इट हार्ड, और जितना हार्डली हो सके इसको स्क्वीज करो, मतलब इसको प्रेस करो, दबाओ जितना भी तुम में ताकत है। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, पानी जैसा कुछ भरा हुआ है। सी इफ आई एम रॉन्ग, देखो क्या मैं गलत हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड, वो पहले एक हाथ में लेके उसको स्क्वीज करता है पूरा, देन विद बोथ, फिर दोनों हाथों से। विजय सिंह स्टेल्थली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो विजय सिंह क्या करता है, स्टेल्थली मतलब होता है छिप कर, चुपके से अपने उससे पॉकेट से एक अंडा निकालता है। विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द घोस्ट, वो उससे स्नैच करता है, उसे छीन लेता है, एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज, दोनों हाथों के बीच में उसको रखता है और स्क्वीज करता है जोर से। एट वंस द येलो लोक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, उसके फिंगर्स के दोनों तरफ से जो येलो योक है, क्योंकि उसने हाथ में अंडा भी लिया हुआ था, चुपके से वो बाहर निकलने लगता है। ऊज्ड मतलब होता है रिसना, एक तरीके से रिसना, बाहर रिसने लगता है। एंड द क्रैकिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बींग क्रश्ड, और जो एग शेल है, बाहर का जो शेल था अंडे का, वो जब क्रैक होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अंडा, जो माफ करिएगा, जो स्टोन है वो क्रश हुआ है, वो उसका मतलब वो टूटा है, और ये पीसेस एक्चुअली में उसके हैं, मतलब एक तरीके से उसने पूरा उसको स्क्वीज कर दिया और उसके अंदर से जो फ्लूड था वो भी निकाल दिया। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड, इतना ज्यादा आश्चर्यचकित वो घोस्ट हो जाता है। ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल की। हाँ, उसने ध्यान भी नहीं दिया कि विजय सिंह बेंड होता है, झुकता है, क्लीन हिज हैंड्स, अपने हाथ साफ करता है सैंड से, जो वहां पर रेत थी उससे, और डिस्पोज कर देता है वहीं पर, मतलब वहीं पे डाल देता है वो जो टेल टेल शेल थी। टेल टेल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो आपको किसी चीज के बारे में जानकारी दे सकता था, जो उसके हाथ में जो शेल थी वो बता सकता था कि अंडे की है, तो वो ध्यान ही नहीं देता, उसको बस ये लगता है यॉक निकला और अंदर कुछ फूटा है, मतलब कि वो पत्थर उसने तोड़ दिया और उसने जैसा कहा था कि उसके अंदर लिक्विड है, वैसा ही उसके हाथों से निकल रहा है। तो सच में ये तो बहुत ही ज्यादा वो एस्टॉनिश हो जाता है कि कितना पहलवान है ये, कितना ताकतवर है, और फिर वो नीचे झुक के अपने हाथ साफ कर लेता है, वहीं पर उसके शेल को, जो अंडे के चारों तरफ का था, उसको डाल देता है। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक, फिर से वो एक दूसरा पीस ऑफ रॉक उठाता है, पत्थर का टुकड़ा उठाता है, एंड गिव इट टू द घोस्ट, घोस्ट को दे देता है, चलो अब इसे करो। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, बिना किसी शब्द के कहे घोस्ट उसको ले लेता है, फेल्ट इट, उसको फील करता है, एंड पियर्स्ड एट इट, माफ करिएगा, पियर्ड, पियर्ड मतलब झांकता, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये पत्थर ही है। विजय सिंह पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट, और विजय सिंह तब तक अपने जेब में हाथ डाल के वो जो उसने सॉल्ट का टुकड़ा दिया था उस लेडी ने, उसको ले ले उसको निकाल लेता है। दिस इज ओनली अ स्टोन, वो कहता है
प्रोटेस्टेड द घोस्ट, वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक पत्थर ही है, एंड एनी वे इट इज टू डार्क टू सी, और अभी तो इतना अंधेरा भी हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। नेवर हार्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह कहता है मैंने आज तक ऐसा भूत नहीं देखा जिसे अंधेरे में ना दिखाई देता हो, क्योंकि भूत तो कहे जाते हैं अंधेरे में ही आते हैं। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, ये जो तुम्हारे हाथ में स्टोन है ये इसमें नमक है। क्रम्बल इट एंड सी, इसको क्रम्बल करो, तोड़ो और देखो सॉल्ट है क्या। अगेन द गोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन, वो फिर से कोशिश करता है स्टोन को क्रश करने की, बट इन वेन। वेन मतलब होता है व्यर्थ, लेकिन सब व्यर्थ था, सब बेकार था, वो स्टोन उससे टूटता ही नहीं। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, वो विजय सिंह को वो दे देता है। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स, अब जो भूत था उसको अपनी जो भूतिया शक्ति थी, घोस्टली पावर जो उसके पास थी, उस पर शक होने लगता है कि मुझसे तो टूट नहीं रहा, और ये एक आदमी होके भी फटाफट इसने उसमें से जो यॉक है वो भी निकाल दिया जिसके अंदर पानी था, अब ये दूसरा है इसमें से नमक भी निकाल देगा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट हो ही नहीं। ओपोनेंट बोलते हैं आपके ऑपोजिट जो है, आप लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो लड़ रहा है वो आपका ओपोनेंट है। वर्दी मतलब लायक, तुम किसी लायक हो ही नहीं। वॉट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट, एक ऐसे कमजोर आदमी के साथ रेसलिंग करने से क्या फायदा जिसको मैं 1 मिनट में ही नीचे फेंक दूंगा। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सम, उसने कैजुअली बिल्कुल आसानी से उस सॉल्ट को जो उसके हाथ में था उसको क्रम्बल वो कर देता है, मतलब एक तरीके से उसका उसको पीस देता है बिल्कुल। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और अंधेरे में स्टोन को साइड से नीचे फेंक देता है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, वो अपना हाथ आगे करता है, उसको कमांड देता है घोस्ट, वो ऑर्डर करता है कि ये लो इसको टेस्ट करके देखो। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, मेस्मराइज हो जाना मतलब सम्मोहित हो जाना, किसी चीज के बिल्कुल फैन हो जाना, वो बड़ा ही मेस्मराइज हो जाता है पहलवान की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, बिल्कुल यूनिक जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी उसकी, उससे वो बड़ा ही सम्मोहित होता है। द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, वैसे ही करता है जैसा उसको कहा गया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, तो अंदर से वो बिल्कुल अलार्म्ड हो जाता है। दिस मैन, दिस मैन, ये आदमी कुड इजीली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क, ये तो अंधेरे में एक रेसलिंग बाउट में उसको आसानी से वैंक्विश कर सकता है। वैंक्विश करना मतलब डिफीट करना, हराना, ये तो मुझे आसानी से हरा सकता है अगर एक रेसलिंग बाउट अभी हो जाती है। बट परहैप्स, लेकिन शायद, ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, इसको शायद मैं दूसरे तरीके से ट्रिक कर सकता हूँ। किसी को ट्रिक करना मतलब होता है बेवकूफ बनाना एक तरीके से। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, सर्वाइल मतलब होता है एक तरीके से चापलूस, तो बड़ी चापलूसी से, जब आप चापलूसी करते हैं किसी की तारीफ करते हैं तो चापलूसी से वो कहता है फ्रेंड विजय सिंह इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी से मिलना तो मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है, ये बड़े ही एक सम्मान की बात है मेरे लिए। आई एडमिट टू बींग डिफीटेड, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। बट वेयर यू विल गो टू नाइट, लेकिन तुम आज कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर पे आराम कर लो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल चले जाना। नाउ थॉरली इलेटेड, अब पूरे तरीके से इलेटेड हो जाना मतलब एक्साइटेड हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो विजय सिंह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। विजय सिंह रिप्लाई करता है आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, मैं तुम्हारी जो हॉस्पिटैलिटी है, तुम्हारा जो सत्कार है, इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। बट टुमोरो यू विल गो विद मी एज अ प्रिजनर, लेकिन कल तुम एक प्रिजनर बन के, कैदी बन के मेरे साथ चलोगे, क्योंकि वो गांव वालों को दिखाना भी तो चाहता था ना। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, ये जो मेरी जीत की जो ट्रॉफी हो तुम, ये मैं गांव वालों को दिखाना चाहता हूँ, माफ करिएगा विक्ट्री मतलब जीत। द घोस्ट बोड इन एग्रीमेंट, बाव करना मतलब होता है झुकना एक तरीके से, तो वो बाव करता है, अपना सर झुकाता है अग्रीमेंट में, जैसे कि वो मान गया। बट साइलेंटली वाउ टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन चुपके से ये भी वाउ करता है, ये भी प्रण लेता है एक तरीके से
वाव मतलब शपथ लेना कि मैं आज रात इसको मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और जिस गुफा में उसका घर था वो उसको वहाँ पर ले जाता है। ओके, तो यानी कि दोनों ही, उसने पहले उसे बेवकूफ़ बनाया, अब घोस्ट उसे बेवकूफ़ बना रहा है। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स, वो उसको ड्राई फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध पिलाता है, एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और एक बहुत ही लग्जूरियस मतलब बहुत शान वाले बड़े बेड पे सोने के लिए दे देता है, कंप्लीट विद पिलोज एंड बॉल्स्टर्स, जिसपे बहुत सारे पिलोज हैं, एंड जो राउंड वाले आपके पिलोज होते हैं उनको बॉल्स्टर्स कहा जाता है, ये पहले भी वर्ड आ चुका है। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन क्योंकि स्नोर मतलब खर्राटे होता है, जो घोस्ट था वो खर्राटे ले रहा था रात को, इस वजह से विजय सिंह अवेक रहता है मतलब जागा रहता है, उसको नींद नहीं आती। इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बेड से उतरता है, ही प्लेस्ड अ बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, वो बेड के बीच में अपना जो बॉल्स्टर है गोल तकिया वो रख देता है, थ्रोइंग ओवर इट अ, और उसके ऊपर कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और उसके ऊपर एक चादर डाल देता है ताकि बिल्कुल वो एक सोए हुए आदमी जैसा लगे। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क रूम, क्राउच मतलब होता है झुक कर, वो झुक के एक डार्क कॉर्नर में बैठ जाता है ये करके। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, सुबह होने से थोड़ी ही देर पहले, द घोस्ट अप्रोच द बेड, घोस्ट जो है बेड की तरफ अप्रोच करता है, बेड की तरफ आता है, आर्म्ड विद स्टाउट क्लब, स्टाउट मतलब मोटा, क्लब मतलब डंडा भी होता है, तो एक मोटे से डंडे को लेके वो उसके बेड की तरफ अप्रोच करता है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह्स हेड, वो जोर से जिसको जो उसको लगता है विजय सिंह का सर है उस पर मारता है, उसके सर पे उस क्लब को, डंडे को। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन, लेकिन उसको एक वहाँ पर थोड़ी सी भी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। ही स्माइल्ड, वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है, प्लीज्ड, खुश होता है, दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया, अब आवाज़ भी नहीं आ रही। हाउएवर, जबकि, जस्ट टू मेक डबली श्योर, दोबारा अपने आप को श्योरिटी देने के लिए, ही स्ट्रक द बॉल्स्टर 6 times more, वो उस बॉल्स्टर पे 6 बार और मारता है। पहली बार मारने पे उसे पता लगता है कि आवाज़ भी नहीं आई, तो मतलब ये मर गया, लेकिन अपने आप को फिर से कि कहीं जिंदा ना बच जाए, इतना ताकतवर पहलवान है, वो 6 बार और मारता है उस बॉल्स्टर पे जिसे कि वो आदमी समझ रहा था। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, और अपने काम से पूरा सेटिस्फाई होकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, अपने काउच पे चला जाता है, एंड कवरिंग हिज हेड, अपने सर को कवर करके, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, फिर से सो जाता है। मीन वाइल, इसी बीच में, विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इन टू बेड, वो धीरे से विजय सिंह आके चुपचाप अपने बेड पे लेट जाता है। आफ्टर अ पोज, थोड़ी देर के बाद, ही ग्रोन, वो ग्रोन करता है, ग्रोन करना मतलब एक तरीके से करहाना होता है, एज इफ इन डिसगस्ट, जैसे कि वो दुखी हो मतलब थोड़ा सा अप्रसन्न हुआ हो, डिसगस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलेट, अपने चादर को अपने ऊपर से हटाता है एंड सेटअप, और बैठ जाता है। डिस्टर्ब बाय द नॉइस, जब आवाज़ अंदर से, अंदर से आवाज़ आती है, उससे डिस्टर्ब होता है जो घोस्ट है, द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स, वो अपने बेड क्लोथ के नीचे से देखता है उसको, टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म अबव हिज हेड एंड यॉनिंग, और देखता है कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, विजय सिंह क्या कर रहा है, अपने हाथ को ऊपर करके यॉन कर रहा है, उबासी ले रहा है वहां पर, वो देखता है इतने सारे मैंने डंडे मारे, मतलब ये नींद तक से नहीं उठा, और अब उठा है, थोड़ा सा इसको लगा कि शायद मतलब करा रहा है, सोते सोते जैसे थोड़ी चोट लगी हो, और अब उठ के उबासी ले रहा है जैसे नींद से जगा हो। फॉर अ मोमेंट, एक टाइम के लिए तो, द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक, वो डर के मारे शॉक से एकदम से रिजिड मतलब बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है ना, कठोर वैसा हो जाता है। फ्रेंड घोस्ट, देर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, तब विजय सिंह कहता है कि दोस्त जो घोस्ट हो तुम्हारे लग रहा है गुफा में इंसेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं। सेड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग वॉइस, जैसे कंप्लेन करते हैं, किसी से शिकायत करते हैं, ऐसे कहता है, हियर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, मैं यहाँ पर इतनी आराम की नींद सो रहा था जितनी मुझे कई सालों में भी नहीं आई, देन देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, फिर एक इंसेक्ट कीड़ा आया और वो मुझे परेशान कर रहा था। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स,
मैंने काउंट किए गिने कि उसने 7 बार अपने पंखों से मेरे ऊपर फ्लैप किया, मुझे मारा। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बिटन मी, हालांकि उसने मुझे काटा नहीं, बट इट्स मोस्ट अनोइंग, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग था। तो आप होपफुली समझ रहे होंगे कि उसने क्या किया, मतलब कि जिससे कि घोस्ट को लगे कि तूने 7 बार मारने के बाद तो इसको सिर्फ एक कीड़े के पंख जैसा लग रहा है, तो ये तो कितना ताकतवर आदमी है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। द घोस्ट घोस्ट पैनिक्ड, घोस्ट पैनिक हो जाता है, पैनिक हो जाना मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाना, घबरा जाता है। 2 7 ब्लोज वो इतने 7 बार जो की जो मार हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, वो तो किसी भी दूसरे आदमी को जितने तेज उसने मारे थे वो 7 ब्लोज, किसी भी आदमी को पल्प, पल्प बोलते हैं जैसे कि किसी भी फ्रूट के अंदर होता है ना उसके अंदर का पल्प, तो मतलब कि वो बिल्कुल वैसा बना देते उसको। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेस्लर लाइक दिस, ऐसे फॉर्मिडेबल, ऐसे भयंकर जिसे आप कह सकते हैं, फॉर्मिडेबल मतलब भयंकर ही होता है वैसे, इतने जो ऐसा जो फियर से ऑफुल, इतना हीडियस जो ये रेस्लर है, इसके सामने तो मतलब कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं। ही थॉट, वो सोचता है, एंड फ्लेड फ्रॉम द केव, और वहाँ से केव से गायब हो जाता है, लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, और जितने भी उसने वेल्थ वहाँ पे जो भी उसकी संपत्ति थी, जो भी उसने कमाई थी, उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है कि इसके सामने तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये तो इतना जो है फॉर्मिडेबल है, इतना भयानक है कि 7 बार मारने से ऐसा कोई भी आदमी का पल्प बन जाता और इसको असर ही नहीं हुआ। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, और फिर कई सारे कैमल्स लगे, कई सारे ऊँटों पे जो उसने वहाँ से प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, मतलब कि घोस्ट की जो सारी प्रॉपर्टी थी घोस्तों से छोड़ के भाग गया, वो सारी किसने ले ली, अब विजय सिंह ने ले ली, तो जो प्रॉपर्टी उसने वहाँ से एक्वायर की थी, प्राप्त की थी, उसको ले जाने में कई सारे ऊँट लगे। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर, और वो उसका सच में हकदार था। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, वो उस ओल्ड वुमेन के पास जाता है, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और जो उसका वो कीमती उसने गिफ्ट दिया था उसके लिए उसको थैंक यू बोलता है, एंड आस्क हर फॉर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसका हाथ मांगता है शादी के लिए। देन फोर्थ, उसके बाद विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, उसके बाद से विजय सिंह काफ़ी केयरफुल हो गया, अपनी बोस्ट नहीं करता, अपनी झूठी तारीफें मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करता है। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, नो ट्रेवल्ड वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन, कि किसी भी ट्रैवलर को, आने जाने वालों को उसके बाद ट्रबल नहीं किया गया, परेशानी नहीं हुई इन द हॉन्टेड डेजर्ट, उस हॉन्टेड डेजर्ट में। तो ये थी आपकी स्टोरी, होपफुली आपको पसंद आई होगी, इंदिरा डेविड ने ये लिखी है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।